हेलो सेलेट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडियन लर्नर। तो दोस्तों, अगर आप शॉपी के एग्जिस्टिंग सेलर हैं तो ये न्यूज़ जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरी जानकारी। क्योंकि शॉपी वाइंड अप कर चुका है अपना बिजनेस 29 मार्च से, यानी कि आज रात को 12 बजे से बंद करने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा शॉपी के सेलर डैशबोर्ड पे। राइट हैंड साइड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि शॉपी इंडिया प्लेटफॉर्म इज सीजिंग ऑपरेशंस फ्रॉम 29 मार्च 12 AM। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च रात को 12 बजे के बाद शॉपी इंडिया में अवेलेबल नहीं रहेगा। न्यू ऑर्डर आप 29 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे इस वेबसाइट पे। और यहाँ पे ये भी डिक्लेयर किया हुआ है, बायर विल नॉट बी एबल टू प्लेस एनी न्यू ऑर्डर फ्रॉम दिस साइट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है दोस्तों, रेस्ट रेस्ट अश्योर ऑल द ऑर्डर प्लेस बिफोर दिस डेट। जो भी ऑर्डर है जो आपने 29 मार्च से पहले प्लेस किए हैं, वो आपको टाइमली डिलीवर्ड हो जाएंगे। और अगर आपको उसका आउटस्टैंडिंग पेमेंट है या फिर रिटर्न रिफंड है, वो भी आपको टाइमली दिया जाएगा। या फिर आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट खरीदी है शॉपी से जिसका सेल्स और सर्विसेज है, तो वो भी आपको ये शॉपी कह रहा है कि आपको उसको सर्विसेज और सपोर्ट मिलेगा शॉपी की तरफ से। उसके बाद ये दोस्तों कुछ, प्लीज डू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी एंड पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डर डिलीवरी और पेमेंट के रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। ऑल सर्विसेज ऑन द शॉपी सेलर सेंट्रल इंक्लूडिंग पेमेंट विड्रॉल हो गया, डिस्प्यूट फॉर रिटर्न हो गए, विल बी अवेलेबल थ्रू द एग्जिस्टिंग चैनल अंटिल 30 मई। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके ऑर्डर्स के पेमेंट्स हो गए, उसके रिटर्न रॉन्ग रिटर्न के डिस्प्यूट हो गए, उसका पेमेंट आपको 30 मई तक मिल जाएगा। मतलब ये विंडो ओपन है 30 मई तक, उसके पहले ही आपको सारे क्लेम सॉर्ट आउट करने रहेंगे। उसके बाद आ रहा है सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड लाइन आती है, फंड्स हेल्ड इन एस्क्रो फॉर ऑनगोइंग ऑर्डर विल बी रिलीज एज पर यूजुअल प्रोसेस। जो भी आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे डिलीवरी बॉय को, या जो भी नए ऑर्डर आपको रिसीव हो रहे हैं, वो आपको टाइमली डिलीवरी बॉय को दे देने हैं, और उसका जो पेमेंट है उसकी साइकिल के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। उसके बाद सेलर हु है वी हैड टू ऐड अ वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं किया है तो आज ही कीजिए दोस्तों। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो पेमेंट है वो स्टक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपना बैंक अकाउंट जल्द से जल्द वेरीफाई कीजिए। अगर वेरीफाई है तो विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद फोर्थ लाइन आ रहा है, शॉपी लॉजिस्टिक पार्टनर विल कंटिन्यू टू पिकअप एंड डिलीवर ऑल ऑन गोइंग ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपके नए ऑर्डर है वो पिकअप करने आएंगे, और जो रिटर्न का प्रोसेस है वो रिटर्न भी आपको डिलीवरी करने आएंगे। उसके बाद आता है फिफ्थ लाइन, रिपोर्ट फॉर GST रिटर्न फाइलिंग एंड इनवॉइस विल बी शेयर्ड विद सेलर वाया ईमेल एज पर द यूजर प्रोसेस। जो भी इनकी प्रोसेस है GST रिपोर्ट का, एवरी मंथ जो आ जाती है वैसे सेम एज इट इज रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी सुविधा 30 मई तक अवेलेबल है दोस्तों। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये कंपनी ने खुद डिक्लेयर किया है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।